दिस इज चैप्टर नंबर टू और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसका नाम है डेटा माइनिंग कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स। ठीक है जी। अच्छा, मैंने स्टार्ट से बताया था आपको, इस बुक की अच्छी चीज़ ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक है, जो लेट 90s में लिखी गई थी, 97 में ये शायद ऐसे, और उसके बाद इसके फिर अपग्रेडेड वर्जन आते रहे। अगर आपने नेट पे सर्च करनी हो तो हैन एंड कंबर के नाम से, ना हैन एंड कंबर जो ऑथर्स हैं, और डेटा माइनिंग कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स करेंगे तो इसकी पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है, इसकी प्रेजेंटेशन भी नेट पे ही अवेलेबल है, मैंने वहीं से उठाई हुई है, मैंने कोई इसमें ऊपर नीचे नहीं किया। डिपेंडिंग ऑन कि आज क्या आउटपुट आती है या थोड़ा बहुत मैं अपडेट कर दिया करूँगा, कल वाली क्लास में शुरू किया था हमने ये, तो कुछ कंसेप्ट जो है मैं डिलीट कर दूंगा अगर जरूरत पड़ी, या कुछ अपडेट कर दूंगा, जैसे कुछ फिगर्स इसमें ऐड किए। अच्छा, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन का है, स्लाइड्स अगर आप लोग देख सकते हैं, अगर देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो मैंने चीज़ें बताई थी सारी की सारी वही हैं उसमें। उससे मुराद क्या है, जब भी कोई कोर्स शुरू होता है, बुक शुरू होती है, सबसे पहले कुछ डेफिनेशन होती हैं, जैसे मैंने भी बताया था कि डेटा माइनिंग है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, इनमें क्या डिफरेंस है रफली से। उसके बाद डेटा माइनिंग के एप्लीकेशंस क्या हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, फॉर एग्जांपल हमने कुछ एप्लीकेशंस की बात की थी, कुछ जल्दी जल्दी बता सकते हो कोई एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं वो कहाँ अप्लाई होगा? चलें जी, फेस डिटेक्शन कह लें, ऑल्दो वो डायरेक्ट एरिया नहीं है, वो इमेज प्रोसेसिंग का एरिया, लेकिन अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल दी थी। और इसके अलावा वैसे प्रेडिक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा, लेकिन एप्लीकेशन बताएं। चलें जी, वेदर फोरकास्ट है, और स्टॉक मार्केट के अंदर कि क्या वैल्यूज होंगी, ओसीआर जी, हाउस वैल्यू प्रेडिक्शन एंड सो ऑन, तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन है। अच्छा, अभी इसके अंदर एक और बड़ा आसान, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में गाइड करने के लिए बता रहा हूँ, और लेट से वहाँ पे 5 नंबर हैं या 10 नंबर हैं, ठीक है, तो एक बड़ा आसान तरीका ये हो सकता है जवाब देने का, कि वहाँ पे आप इसकी ना देखें कि डेटा माइनिंग में कंसेप्ट कौन से हैं। जैसे मैंने कई दफ़ा बता चुका हूँ, तो पहला कंसेप्ट क्लासिफिकेशन है, फिर उसकी कोई एग्जाम्पल दे दें, ऐसे ही ना, जैसे अभी आपने फेस रिकग्निशन की बात की है तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन, कि आपका इमेज है उसमें से आपने बताना है कि फेस है या नहीं। फिर रिग्रेशन है, रिग्रेशन की जैसे इन्होंने अभी कहा था हाउस वैल्यू प्रिडिक्शन है, एनोमली डिटेक्शन है, याद है एनोमली का प्रिडिक्शन, बाकी सारी चीज़ें फिर जैसे मैंने 5-6 बताई थी वो एप्लीकेशन है इसकी, फिर सारी, ठीक है। 3 मैंने बता दी, चौथी कौन सी थी, क्लस्टरिंग मैंने बताई नहीं, उसे यानी क्लस्टरिंग मैंने बताई है, 4 होगी, और कौन सी थी, मेडिकल इमेजिंग इज पार्ट ऑफ एनोमली डिटेक्शन, टेम्पोरल, बिल्कुल टेम्पोरल में क्या था हमारे पास, टाइम सीरीज डाटा, एग्जाम्पल बताया ना बेटा, एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ। ऑडियो डाटा जो है वो टेम्पोरल होता है हमारा, ठीक है, कि हम जैसे जैसे बोल रहे हैं साथ साथ चार, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी। अच्छा, आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज डाटा माइनिंग कंसेप्ट टेक्निक्स का चैप्टर 2 है, जिसका टाइटल ही डाटा पे है, डाटा। अच्छा, डाटा की ना पहली चीज, एक टर्म है मैं कई जगह पे यूज कर चुका हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये मैंने एक टर्म लिखी है, क्या मतलब होगा इसका, डेटा इज ऑयल, क्या मतलब होगा इसका? आप में से कई लोग ना इस बात से एग्री करेंगे या अब सोचेंगे तो एग्री करेंगे कि 1950s के बाद ना जो तेल वाले मुल्क थे ना उन्होंने बहुत कमाया, ऐसे है ये बात समझ जाती है, मानते हैं इस बात को, जैसे सऊदीया, इराक, या बेचारे तबाह भी बहुत हुए तेल की वजह से, लेकिन इन एनी केस ऑयल जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा कीमत रही है। अब रिसेंट टाइम्स में जाके इशू शुरू हुए, ऐसे है ना, लेकिन इससे पहले ये था कि जिसके पास तेल निकलाया ना बस उसने मज़े किए, चाहे वो अमेरिका खुद था, चाहे रूस है, चाहे जो भी मुल्क आप लेना। अब रिसेंट टाइम्स में ना जैसे ऑयल की वैल्यू थी और मुल्कों ने बहुत राज किया ना, वही सेम काम डाटा का, ठीक है। अब इस पर भी मैंने पहले भी बात की थी कि डाटा से मुराद ही होता है कि हमारे पास कोई वैल्यूज पड़ी हैं और वो लेबल्ड वैल्यूज हैं, यानी कि हम जानते हैं, जैसे अभी लेट से मैं एक फेस रिकग्निशन का सिस्टम बनाना चाहूँ अगर, ठीक है, फेस रिकग्निशन का सिस्टम बनाना चाहूँ, और मैं इनको भाई को कहूँ कि यार सबकी ना तस्वीरें खींच लो, तो क्या ये यूज़फुल होगा? नहीं होगा। यूज़फुल कब होगा? जब हमें पता होगा इनका नाम क्या है, भाई का नाम क्या है, इनका नाम क्या है, सबके नाम क्या है हमारे पास, यानी कि एनोटेटेड डाटा या लेबल्ड डाटा हो, ये बात समझ आती है? तो अब क्या हुआ है कि डाटा अगेन एक तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में मौजूद है, प्लस लेबल्ड भी मौजूद है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे मेडिकल इमेजिंग की, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये बल्कि अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा मोबाइल्स पे भी हम सुन रहे होते हैं जी कि ब्रेस्ट कैंसर का आजकल चाह रहा है, तो अब इस पर रिसर्च बहुत अच्छी हो रही है। रीज़न क्या है? इसका डाटा मौजूद है, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर है,
इसके अलावा हमारे पास चेस्ट एक्सरे हैं, कोविड के ऊपर आप देख लें कि अगर आपके पास एक्सरे मौजूद हो तो आप एक्सरे की मदद से सिंपल कंप्यूटर के एप्लीकेशन एल्गोरिदम्स लगा के बता सकते हैं कि ये जो लंग्स है ये कोविड की वजह से है, निमोनिया की वजह से है, किसकी वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, खैर ये तो हमारा बैकग्राउंड हो गया, अभी हमने क्या पढ़ना है, हमने कुछ चीज़ें पढ़नी है डाटा की, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डाटा की ना टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये डाटा की टाइप्स भी हम हज़ारों तरीके से बयान कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने कंप्यूटर को डील करना है और ज़्यादा हमारा फोकस प्रिडिक्शन क्लासिफिकेशन पे है, तो मेजर जो डाटा की टाइप्स होंगी वो दो ही होंगी, या वो नंबर्स होंगे या वो करेक्टर्स होंगे, ठीक है, नंबर्स या करेक्टर्स, ऐसे ही ना, या कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे हाउस वैल्यू प्रिडिक्शन करनी है तो नंबर्स होंगे, आपके अगर ग्रेड हैं तो पहले आपके नंबर्स होंगे फिर आप ग्रेड लगाओगे, तो या वो नंबर्स होंगे या वो करेक्टर्स होंगे, बाकी मैं अभी डिटेल में जाऊँगा इसके ऊपर। अच्छा, वंस हमने ये डिफाइन कर लिया कि डाटा की टाइप्स कौन सी हैं, फिर हम जाएंगे कि डाटा को विजुलाइज कैसे करना है, देखना कैसे, ठीक है। इसके अब सिंपल से एग्जांपल है, आप लोगों के मैं अगर ग्रेड्स मार्क करता हूँ और मैं लिखता हूँ यार ए ए प्लस ए बी प्लस बी माइनस एंड सो ऑन, तो मुझे ए की गो में समझने में ना मुश्किल होगी ऐसे, लेकिन अगर उसकी निस्बत मैं कोई डिस्ट्रीब्यूशन उसकी बना दूँ, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, तो वो मुझे बड़ा आराम से नजर आ जाएगा कि यार कितने ग्रेड ए वाले हैं, कितने बी वाले हैं, कितने सी वाले हैं। जैसे एक बड़ा आसान सा अगर बार चार्ट आपने देखा हुआ है, देखो ना एक्सेल की शीट के अंदर होता है, अगर मैं कोई चार्ट वगैरह बना लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यार ए वाले 15 हैं, बी वाले कितने हैं, सी वाले कितने हैं, समझा रही वाली बात। तो ये भी हमें अभी देखते हैं कि डाटा विजुलाइजेशन की कौन सी टेक्निक्स हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डाटा में या मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ डाटा के अंदर सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी कितनी है, यानी कि अगर मैं डिसाइड करना चाहूँ कि मैं एक सेक्शन ये वाला पढ़ा रहा हूँ, बी ये कौन सा सेक्शन है, सी सेक्शन है, और इसके अलावा एक मैं दूसरा सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, इनमें कौन सा बेहतर सेक्शन है, तो वो कंपैरिजन होगा सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज का, ठीक है। तो वो एक चीज हम देखेंगे, चलें स्टार्ट कर लेते हैं, ये भी आगे आएंगी सारी चीजें। एक एड ऑन और है अभी के लेक्चर में कि ये जो स्लाइड्स है ना इनमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट मौजूद है, तो अभी क्लास के अंदर मैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट सीखा हुआ है, वैसे भी लॉजिकली यही होता है कि हर टीचर कोई घंटा सवा घंटा ही पढ़ाता है, तो मैं स्किप करके पढ़ाऊंगा। स्किप से मुराद ये कि जो चीजें लिखी हुई हैं आप इधर बेशक बाद में गौर करते रहिएगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करके आया हूँ तो मैं जल्दी करूंगा कि यार कन्वे कर दूं ना, बजाय पूरा पूरा पढ़वाने के बाद पे मैं कह दूंगा यार सिर्फ देख लो, ठीक है जी। ये तकरीबन हर लेक्चर में ऐसे रहेगा। अच्छा, पहली बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि डेटा की ना इनको थ्री वीज ऑफ डेटा कहते हैं। ये थ्री वीज ऑफ डेटा जो है ये किस्म के डेटा की करेक्टरिस्टिक्स भी हैं कि यार ये तारीफ भी है डेटा की और ये प्रॉब्लम्स भी हैं डेटा के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी किसी भी किस्म का डाटा हम ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का डाटा ले लेते हैं, यूटी के स्टूडेंट्स का डाटा, ठीक है। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि यार ये जो तीन डायरेक्शन है ना, मैं कहता हूँ यार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का डाटा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का डाटा विद रिस्पेक्ट टू वैरायटी इंक्रीज हो रहा है वो भी, और इसी तरह तीसरी डायमेंशन में वेलोसिटी भी उसकी इंक्रीज हो रही है। अब बड़े आसान लफ्जों में सोचते हैं इनका मतलब क्या होगा, ठीक है जी। सबसे पहले पिक कर लेते हैं वॉल्यूम का, सबसे आसान मतलब ये है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, साइज क्वांटिटी, ऐसे ही ना। यूनिवर्सिटी अगर चाहे 1940 से बनी, चाहे 1920 से बनी, चाहे 2000 से बनी, ऐसे ही ना, हर साल नए बच्चे आते जा रहे हैं, ये है सिंपल वॉल्यूम, एग्रीड। और कोई भी डाटा हमारे पास किसी भी किस्म का आप उठा लेंगे दुनिया में, 99% वो हमेशा इंक्रीज ही हो रहा होगा अगर आपने उस पर कुछ करना है तो, ऐसे ही ना, एग्रीड। ये बात समझ आती है, वॉल्यूम का सिंपल मतलब ये है कि साइज जो है उसका बढ़, ठीक हो गया। दूसरा है वैरायटी, जी वैरायटी का मतलब क्या होता है, जी जी और कोई एग्जांपल दें, प्रैक्टिकल एग्जांपल, जी डिपार्टमेंट्स हो सकता है इसमें, वैरायटी का मतलब हो सकता है, नहीं 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 वॉल्यूम है क्वांटिटी नंबर, वैरायटी क्या है कि जैसे फिर पिछले साल ही सी एस और सी एक ही थे, अब अलहदा हुए हैं तो वो इंक्रीज होगी ना, एक उसकी डायमेंशन बढ़ गई, समझाती वाली बात। लॉजिकली क्या होना चाहिए, मुझसे कई लोगों ने बहस की और मुझे अभी तक सही जवाब नहीं आता, मुझे कई लोगों ने कहा सी एस ओ सी में फर्क समझाना, होता है ना, तो हम उन्हें कहानी सुनाते हैं कि जी फर्मवेयर की हार्डवेयर की और ये सारी, लेकिन एंड यही निकलता है कि 80% तो सेम ही निकलाती है चीज़ें, होता है ना ऐसे, है ना, इन एनी केस तो डिफरेंस जरूर है वो। और क्या एग्जाम्पल हो सकती है वैरायटी की, नहीं वो ये नहीं होता असल में, अच्छा चलो उसका भी मैं आंसर अभी दूंगा, वो क्या होता है वो लिख लेते हैं, डिस्कशन बाद में करेंगे।
इसमें भी करते हैं। अच्छा, तीसरा फिर हमने लिखा है वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? और बताएं थोड़ा सा। अगर इसको हम इस तरह कर लें कि ये रेट ऑफ चेंज क्या है, कितनी स्पीड में चेंज हो रहा है, यानी कैसे कैसे कितनी स्पीड में चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगेन ये देख लेते हैं। सीएस डिपार्टमेंट था, इसके हमारे दो हिस्से हुए, ठीक है, सीएस और सी हुए, लेकिन इसके मुकाबले में मैकेनिकल जो है उसके चार हिस्से यहाँ पे हुए और हर जगह पे उसके हिस्से फिरे हुए हैं ना, यानी कि केएसके में भी, फैसलाबाद कैंपस में भी। तो मैकेनिकल के कोई 9-10 हिस्से हो चुके हैं, हमारे अभी दो ही हैं और आगे उम्मीद भी नहीं होने की, ऐसे ना। बेशक ये रेट बहुत स्लो है, ये वैसे अच्छी एग्जाम्पल नहीं है वैसे, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज वगैरह इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि वहां पे चेंज सेकंडों की बेस पे आ रहा होता। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका ना, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भाई इन तीनों का ना क्या इफेक्ट क्या है। अब मैं वापस आता हूँ स्टॉक एक्सचेंज की, जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी बोली कि अगर सेकंडों की बेस पे चेंज हो रहा है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो अब आप क्या हो गए, आप कन्फ्यूज रहेंगे कि आपका यह जो मॉडल है वो कन्फ्यूज रहेगा कि यार मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं। पता है स्टॉक एक्सचेंज का आइडिया है ना लोगों को, सिंपल नहीं भी आइडिया तो यही है कि आपके पास प्राइस होती है किसी चीज़ की, लेट से जी ये लैपटॉप वगैरह की या किसी भी मोबाइल कंपनी की, नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है उसके कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं, आप इन्वेस्ट करते हो, कुछ अरसे के बाद बेचना चाहते हो तो या बढ़ गए होंगे या घट गए होंगे, ऐसे है ना, तो यही चीज़ ही हो रही होती है। तो वो अगर बहुत ज़्यादा डायनामिक है तो फिर इशू आएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, भाई ने क्वेश्चन किया था कि अच्छा अब ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिए ना, ये कुछ मैंने डेटा के ना पैरामीटर्स ही बताए हैं। अभी हम आगे पे चलते हैं, फिर वापस आएंगे इस पे रिप्रेजेंटेशन वाले बर्ड पे ना, ठीक है, जो आपसे बात हुई थी, ताकि लेक्चर पूरा भी करें। ये मोटी मोटी चीजें जो अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर टू में डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट टाइप्स, बेसिक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, डेटा विजुअलाइजेशन, मेजरिंग, सो ऑन। ठीक है जी, रफ सा मैं पहले बता चुका हूँ, अभी भी दोबारा बता देता हूँ, ये डेटा ऑब्जेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स टाइप में जो चीज़ है, अभी आगे भी आ जाएगी, इसमें हम चीजें यही देखेंगे कि हमारे पास एक जो टेबल है उसमें रो क्या होती है और कौन सी रोज हैं जो सिर्फ डाटा को डिफाइन करती हैं, कौन सी रोज हैं जो वैल्यूज को डिफाइन करती हैं। ठीक हो गया, पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, अभी दोबारा देख लेंगे। इसी तरह टाइप्स के अंदर हम देख लेंगे कि न्यूमेरिकल डाटा कौन सा होता है, नॉमिनल डाटा कौन सा होता है, नॉमिनल से मुराद जो मैं कैटेगरी, कैटेगोरिकल या करेक्टर बेस भी कहते हैं। इसी तरह बेसिक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। अब ये जो चीज़ है ना, ये डाटा माइनिंग की तरफ मूव हम करेंगे कि अगर आपके पास किसी किस्म का डाटा आ गया तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना, तो वो भी एग्जांपल्स यहीं पे देंगे जब वक्त आएगा। इसी तरह फिर डाटा विजुलाइजेशन, मरिंग डाटा, सो ऑन। अच्छा, ये हमने ना फिर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, रीडेबल है ना यार ये सबको, नहीं है? अब बेटा रीडेबल है आपका, तो फिर ऐनक लगवानी पड़नी है, नहीं है रीडेबल? नहीं है, साथ वाला बेचारा जो बैठा बड़ा जोर लगा रहा, इसका और है मसला, इधर डेस्क पड़े हैं यार, आगे आ जा भाई, आई गए तो फिर एकदम ही नजर आ गई। चलो अच्छी बात है, अगर आ गया तो गुड है। अच्छा जी, ये कुछ टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स लिखा हुआ है। डेटा सेट्स जो है ना, ये भी कुछ नहीं होते, सिंपल सेट्स हमारे पास क्या होते हैं, जहां पे एक जैसी चीजें मौजूद हो, कॉमनली सेट्स ही होते हैं ना। तो डेटा सेट का मतलब यही होता है कि जहां पे जो डेटा है वो आपस में लिंक्ड हो, एग्री, ऐसे है ना। जैसे अगर आप लोग बैठे हो तो आप लोगों में कम्बिनेशन क्या है कि आप सारे बी सेक्शन बताया था, बी से सी सेक्शन के हैं, सी सेक्शन के, सॉरी, ऐसे है ना। चलें जी, बी सी दोनों हो गए, सेट बड़ा कर दे थोड़ा सा, बी और सी कंबाइन हो गए, ठीक है, चलो गुड हो गया। अच्छा, मिलके रहना चाहिए, मिलके रहना चाहिए। इन एनी केस ये डेटा सेट्स की एग्जांपल होगी। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ हमने टर्म्स लिखी हुई हैं कि सबसे पहली जो डेफिनेशन हमारे पास डेटा की आती है ना, उसे हम रिकॉर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा ना। वो हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि डेटा माइनिंग में जितने बच्चे पढ़ने आए हुए हैं उससे पहले 99% ने डेटा बेसिस पढ़ी होती हैं, ठीक है ना, और डेटा बेसिस में सबसे यूनिट जो चीज़ पढ़ी जाती है वो रिकॉर्ड कहलाता है, ऐसे है ना। रिकॉर्ड क्या चीज़ होती है? आपके पास एक टेबल है, लेट्स से पर्सन का या स्टूडेंट का टेबल है, उसमें डिफरेंट कॉलम्स बने हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एनआईसी एंड सो ऑन। इसको जो एक लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? रिकॉर्ड, ऐसे है ना, सब एग्री करते हैं ऐसे, तो वही रिकॉर्ड का यहाँ पे हम नाम दिया हुआ। अच्छा, दूसरी यहाँ पे लिखा है कि जो रिकॉर्ड है कंसेप्ट वो रिलेशनल
कंसेप्ट है, रिलेशनल डाटा का कंसेप्ट है। ये बात भी सब एग्री करते हैं, पता ही है सबको, जो हमारे डीबीएमएस सिस्टम्स हैं वो रिलेशनल होते हैं, ठीक है ना। इसके मुकाबले में भी इससे पहले जो रिलेशनल था, रिलेशनल जो कंसेप्ट था, आपने डीबीएमएस पढ़ा होगा 1980s का कंसेप्ट है। इससे पहले हायरार्किकल नेटवर्क और इस तरह के डिफरेंट टोपोलॉजीज होती थी, फिर ये रिलेशनल आई थी। इन एनी केस उस बहस में नहीं जाते। आजकल जो है नॉन रिलेशनल भी काफी चल रहे हैं, शायद आप में से कुछ लोग काम भी करते होंगे, मोंगो डीबी का शायद आपको पता होगा, नो एसक्यूएल का पता होगा, सुना होगा एटलीस्ट कम। अच्छा चलें, वो जो भी है ठीक है, हमारा तो नहीं है वो डीबीएमएस का। इन एनी केस, अच्छा इसी तरह डेटा मैट्रिक्स। डेटा मैट्रिक्स क्या चीज होती है? मैट्रिक्स का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, सॉरी, ऐसे है ना। तो जो आपके पास डीबीएमएस सिस्टम से वो सारे मैट्रिसेस भी कहलाती हैं, ठीक है जी। अच्छा तीसरी चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि एक रिकॉर्ड जो है या तो वो रिलेशनल रिकॉर्ड्स में होगा डीबीएमएस सिस्टम्स में, एग्रीड। अगर वो डीबीएमएस सिस्टम्स में होगा तो वो डेटा मैट्रिक्स भी कहलाता है, एग्रीड। इसी तरह आपके पास जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जैसे मैटलैब में आपने काम किया हुआ है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, आप अक्सर में मल्टी डायमेंशनल एरेज यूज करते हैं, 2D एरेज कह लें उसे, मैट्रिक्स से कहलाती है वो भी, एग्रीड। ये बात समझ आ रही, यही यहाँ पे लिखा हुआ। तीसरा डिफरेंट है थोड़ा सा कि एक रिकॉर्ड जो है अगर वो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में होगा तो उसे कहा जाता है टर्म फ्रीक्वेंसी वेक्टर, टर्म फ्रीक्वेंसी वेक्टर उसे कहलाते हैं। यही जैसे रिकॉर्ड है ना हमारा, अगर वो डीबीएमएस सिस्टम में टेबल में है तो उसे कहते हैं रिकॉर्ड, अगर वो नेचुरल लैंग्वेज के टेक्स्ट के अंदर पड़ा हुआ है तो उसे कहते हैं टर्म फ्रीक्वेंसी वेक्टर, ठीक है, सिर्फ नाम का फर्क है। और फाइनली फिर ट्रांजेक्शन डाटा, हमारे पास ट्रांजेक्शन डाटा भी हमारे पास एक्सेल की शीट कह सकते हैं अभी से, जिसके अंदर आपके पास सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, और अगेन वो रिकॉर्ड का वर्ड ही वो यूज किया हुआ, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह टाइप्स ऑफ डाटा में एक और है ग्राफ्स एंड नेटवर्क, ग्राफ्स एंड नेटवर्क। ग्राफ्स एंड नेटवर्क में सबसे बड़ी एग्जांपल जो आजकल चल रही है वो सोशल मीडिया नेटवर्क्स जो हमारे पास चल रहे हैं, ठीक है। लेट्स से अगर हम फेसबुक यूज, सारे यूज करते हैं, अगर मैं भाई की इनकी इनकी आपस में प्रोफाइल बनाऊं कि लिंक्ड है किसी तरह, तो वो डिफरेंट सोर्सेज की वजह से लिंक्ड होंगे। इससे मुराद मैं ये ले रहा हूँ, जैसे इनके भाई की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये क्लास फेलोज के साथ जो लिंकेज होगा वो क्लास फेलोज का होगा, फैमिली के साथ और लिंकेज होगा, फ्रेंड्स के साथ कोई और होगा, और उनमें ओवरलैप भी होंगे, तो वो सिंपल टेबल की फॉर्म में नहीं होगा वो ना, ठीक है, क्यों नहीं होगा, उसकी रीजन ये है। अच्छा और फिर क्या होगा, ये जो ग्राफ बनता है ये टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा कैप्चर करेगा, जैसे हो सकता है कि इस यानी कि एज ग्रुप में इनके लिए क्लास फेलोज सबसे इंपॉर्टेंट हो, लेकिन मे बी एक साल बाद जब ये चले जाएंगे तो इनको सॉफ्ट हाउस की कंपनी वाले दोस्त ज्यादा करीब हो जाएंगे, समझ आ रही है वाली बात। तो वो अपडेट्स इस तरह, इवन अभी भी हो सकता है कि बाज़ बच्चों को यहाँ इंटरेस्ट ना हो, आउटसाइड क्लास इंटरेस्ट हो, ठीक है, हो सकता है ना, तो ऐसे होता है। अच्छा जी इसी तरह ये फिर कुछ लिखे हैं, ये वाली ऑर्डर टाइप ना, डिफरेंट टाइप्स में एक अगली लिखी है ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप क्या चीज होती है? जिसमें टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन हो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही है, जैसे वीडियो इसकी बड़ी एग्जैक्ट एग्जाम्पल है कि वीडियो जो है, एक फिल्म जो होती है या जो वीडियो होती है वो क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ फ्रेम्स, कम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, इमेजेस या फ्रेम्स। तो हर इमेज जो है वो पिछले से आगे का होता है, वो ऐसे होता है ना, जब हम कोई ड्रामा कोई फिल्म कोई वीडियो देखते हैं जी, स्पीड से भी चल रहा होता है, वो चेंज हो रही होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये एक ऑर्डर्ड डाटा की एग्जाम्पल है। यहाँ पे बाकी भी काफी सारे लिखे हैं, स्पेशल इमेज एंड मल्टीमीडिया। स्पेशल ये लिखा हुआ वर्ड स्पेशल, SPATIL, इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल जो है वो आपके पास है सेटेलाइट इमेजेस की एग्जाम्पल। आपने अक्सर ने देखा होगा, अगेन वीडियो पे जरूर देखा होगा कि सेटेलाइट से इमेज लिया जाता है और नीचे दिखाया होता है कि क्रॉप्स हैं, ग्रीनरी नजर आ रही होती है, पहाड़ नजर आ रहे होते हैं, देखे हो ना सेटेलाइट इमेजेस। आपसे पूछो, देखा हुआ सेटेलाइट इमेज कोई, एग्जाम्पल बताओ क्या होता है उसमें। ये बेटा तू चेयर के मजे लेने आया हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसा, वही बिल्कुल बेहतरीन, ये देख जहीन बच्चा जी। अच्छा जी पहले हमने कुछ टाइप्स किए, अभी आगे चलती जाएंगी, ये ना काफी ज्यादा थ्योरेटिकल है तो मैं थोड़ा तेज ही चलता हूँ। फिर कुछ ना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर डाटा ना यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कहानी आ जाएगी, जैसे भाई ने भी क्वेश्चन किया था कि डाटा की ना रिप्रेजेंटेशन के तीन तरीके हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशन के, एक स्ट्रक्चर्ड, एक सेमी स्ट्रक्चर्ड और एक नॉन स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। लिखता नहीं, बस डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे आसान है नॉन स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है। अच्छा अब इसकी ना डेफिनेशन कैसे है, पहले ये बात कर लेते हैं। जब हमने कहा ना कि स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर्ड और ये डाटा रिप्रेजेंटेशन के तीन तरीके, इसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि डाटा की ना दो चीजें होती हैं, एक डाटा डेफिनेशन और एक डाटा वैल्यूज, डाटा डेफिनेशन और डाटा वैल्यूज।
अगर आपकी डेटा डेफिनेशन और डेटा वैल्यूज इकट्ठे स्टोर्ड हो एक ही जगह पे, तो वो होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है जी, समझ आ रही बात? अगर आपका डेटा डेफिनेशन कहीं और हो, स्ट्रक्चर्ड डेटा और डेटा वैल्यूज कहीं और हो, तो ये होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। समझ आ रही बात? की एक ही जगह, दोनों डिफाइंड है, दोनों हैं एक ही जगह पे, दैट इज स्ट्रक्चर्ड। दोनों मौजूद हैं पर सेव कहीं और है, तो सेमी स्ट्रक्चर। और तीसरी चीज होती है, अगर डेटा डेफिनेशन है ही नहीं, सिर्फ डेटा वैल्यूज हैं, तो दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, गुड हो गया। एग्जांपल क्या होगी इसकी, आप बेटा बता सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड क्या होगी? तो एग्जांपल यानी कि डेटा मौजूद है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इससे मुराद ये है। देखें, बात सुने आसान सी, पहले मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। अगर मैं आपकी क्लास का एक टेबल आपसे कहता हूं बनाना है एसक्यूएल सर्वर में या MySQL में, ठीक है, कैसे बनाएंगे? क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन का टेबल बनाना कैसे बनाएंगे, क्या स्टेप्स होंगे? बेहतरीन हो गया। यही जो इन्होंने एट्रीब्यूट डिफाइन किया, इसे कहते हैं डेटा डेफिनेशन। जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर लिख लेते हो आपको समझ आती, डेटा डेफिनेशन है ये सारी। ठीक हो गया। अब ये आपको याद होगा MySQL में ना, पहले आप ये डिफाइन करते हो, यानी कि आप कहते हो लेट से नेम, उसके आगे लिख देते हो करेक्टर्स या स्ट्रिंग लिख देते हो। आप कहते हो स्टूडेंट ID इंटीजर INT, करते थे ना, याद है ना चीज, याद आ रही है? इसी तरह फादर नेम स्ट्रिंग फला चीज, ये सारी चीजें आपने कर दी, ये सारी कहलाती है डेटा डेफिनेशन। ठीक हो गया। फिर आप टेबल को सेव करके क्लोज कर देते हो, उसका नाम लगा देते हो स्टूडेंट टेबल। ठीक है। फिर आप आ जाते हो, आप कहते हो जी इनका पहले नाम आपने लिखा, इनकी इन्फॉर्मेशन लिखी, इनका लिखा, इनका लिखा, फिर सब पे आप करते जाते हो। ये होते हैं डेटा वैल्यूज। सबको समझ आ रही वाली बात? ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, जो एसक्यूएल सर्वर या MySQL पे जो आपने काम किया होगा, पहले आप डेटा डिफाइन करते थे, फिर बेशक आपने बंद कर दिया, अगले दिन 10 दिन बाद आप आए, फिर वैल्यूज एंटर कर दी, ऐसे होता था। इसका मतलब क्या है कि डेटा डिफाइन कहीं और हुआ है, सेव कहीं और हो रहा है, ऑल्दो डिफाइंड है, इसे कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर डाटा। कौन सा? इसे कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके मुकाबले में अब ये जो आप रजिस्टर पे लिख रहे हो, या मैं कंप्यूटर पे आप नोट्स लिखते हो, कुछ भी करते हो, आप उसमें कोई डाटा को डिफाइन करते हो कि किस टाइप का डाटा होगा? नहीं करते ना, कुछ भी लिख सकते हैं ना, इसे कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। मेक सेंस? तीसरा और आखिरी कौन सा बचा? स्ट्रक्चर्ड डाटा। XML फाइल्स यूज की है किसी ने? XML फाइल्स, JSON भी आजकल चल रही है, जिसके अंदर पहले आपको HTML, चलें HTML आप कर लें सबसे आसान, HTML तो देखी हुई अक्सर है। उसमें आप क्या करते हैं, टैग डिफाइन करते हैं, पहले टैग डिफाइन करते हैं, फिर उसकी वैल्यू लिखते हैं, वो है स्ट्रक्चर डाटा। ठीक हो गया जी, जो आपने बात की थी। अच्छा, इन एनी केस अगर ये सारी चीजें कर भी लें, स्ट्रक्चर्ड के अंदर भी हम आ जाएं, जहां पे हर चीज डिफाइंड भी है, तब भी हमारे पास ना ये प्रॉब्लम्स रहते हैं। पहला प्रॉब्लम लिखा है डायमेंशनैलिटी का ना, और इसके आगे लिखा है कर्सर ऑफ डायमेंशनैलिटी। अब इसको थोड़ा सा मैं ना इससे DBMS से डिफरेंट करता हूँ, क्योंकि हमारा काम डाटा माइनिंग में वो है नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, और हम लेट से कोई फ्रूट ले लेते हैं, कल की एग्जांपल थी हमारे पास, एक ऑरेंज है और एक पोमग्रेनेट है, अनार है। ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इनको? अगर आपके पास दो इमेजेस हो, एक अनार का एक आम का, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जी? खा के शेप बताया, और बेटा कौन सा बोला था, और इमेज में से टेस्ट निकालेंगे, ये गुड है, गुड। और वॉल्यूम, पेरीमीटर कहेंगे से क्या कहेंगे, हुजम, वॉल्यूम ही कह देंगे, चलेंगे साइज कर लें, हमने कौन सा बनाना है अभी तो लिखना ही है ना समझने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये काफी सारे पैरामीटर्स हैं आपके पास, एग्रीड ऐसे ही, एग्रीड ऐसे है ना। ये जो मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ ना, इन्हें कहते हैं डायमेंशंस। ये एट्रीब्यूट्स भी कहलाते हैं, फीचर्स भी कहलाते हैं, और डायमेंशंस भी कहलाते हैं, ऐसे है ना। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ना दो क्लासीफायर बनाता हूँ, दो क्लासीफायर, क्लासीफायर वन जो है C1 और C2। C1 जो है ना, वो सिर्फ एक पैरामीटर यूज करता है, कलर। वो सिर्फ क्या कहता है, कलर देखो, ऑरेंज कलर है तो माल्टा, लाल कलर है तो अनार। ठीक हो गया। क्लासीफायर 2 जो है वो ये सारे करता है, शेप, कलर, स्ट्रक्चर, या जो भी लिखे हैं बाकी सारे ना, ये सारे करता है। ठीक है,
कौन सा बेहतर होगा? अच्छा, अब लतीफा पता है क्या है, दोनों ही सही नहीं है। इन दोनों के लिए जो वर्ड यूज होता है ना, अगर ये सी वन यूज करें, इसको कहते हैं कि ये जो है ना अंडर फिटिंग करेगा, अंडर फिटिंग। मैं भी समझाता हूं इसका मतलब क्या, अंडर फिटिंग। और ये सी टू जो है, इसे कहते हैं ये ओवर फिटिंग। अच्छा, अब पहले ओवर फिट वाला समझना आसान है, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम ये सारे पैरामीटर्स ले रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा जो क्लासिफायर है ना वो फुल रट्टा लगा के बैठा होगा कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। जरा से भी ऊपर नीचे होता है ना तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आसान लफ्जों में देखें, हम भी अभी अगर आपसे बात करें तो अमूमी तौर पे हम क्या चाहते हैं कि आप चीज ना जनरलाइज करें। जनरलाइज का मतलब ये होता है कि कंसेप्चुअल हो, एग्जैक्ट रट्टे ना लगे हो। अगर हम आपको भी क्लियर बता दें कि यार ये क्वेश्चन है, सिर्फ यही आएंगे, तो आप वो तो बड़े अच्छे हो जाएंगे। लेकिन लामाला नेचुरल लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हर चीज रियलिस्टिक हो बहुत ज्यादा ना, यानी कि हर चीज जो कही गई है वही आई हो। तो ऊपर नीचे जरा सा भी हुआ तो क्लासिफायर फेल हो जाता है, इसे कहते हैं ओवरफिटिंग। ठीक हो गया, पहली बात ये। दूसरा ये कि जितने ज्यादा डायमेंशन होंगी उतना ज्यादा प्रोसेसिंग मुश्किल होगी। एग्री डे बात भी मानते हैं, प्रोसेसिंग मुश्किल क्यों होगी, वो भी दो लेवल पे होगी। पहला लेवल उसका ये है कि इतने फीचर्स निकालना मुश्किल है, प्लस जितने भी आप फीचर्स निकालोगे वो सारे आपस में ओवरलैप करेंगे। जैसे आपने कहा जी ऑरेंज है और शेप उसकी है गोल, ऐसे है ना। अब क्या वो सिर्फ ऑरेंज माल्टा ही होता है जिसमें ऑरेंज भी और शेप गोल भी हो? होता है नहीं, क्रिकेट की बॉल भी हो सकती है, हो सकती है ना। इसी तरह और भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे डायमेंशन आप बढ़ा रहे हो तो आपके प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। इसे कहते हैं कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। कर्स का मतलब लानत होता है ना वैसे, तो इसका मतलब यही है कि कर्स ऑफ डायमेंशन का मतलब क्या है कि डायमेंशनैलिटी की प्रॉब्लम। अच्छा जी, सी वन वाला आपको क्लियर ही है कि जो अंडर फिटिंग का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट में काम करेगा वरना नहीं करेगा। ठीक है ना। अब माल्टा जो है क्या सिर्फ ऑरेंज ही होता है? नहीं, जरूरी नहीं है ना, थोड़ा बहुत तो कलर उसमें वो हो सकता है ग्रीन सा, ठीक है ना। या अगर वो बेचारा पुराना हो गया तब भी वो सूख के खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इन एनी केस काफी सारी चीजें हो सकती है, कट हो सकता है एंड सो ऑन, काफी सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, इन एनी केस पहला प्रॉब्लम ये समझ आ गया। दूसरा लिखा है स्पार्सिटी। स्पार्सिटी का मतलब क्या होता है? क्या होना, क्या होता है पंजाबी में, क्या होता है विल्ला विल्ला, उर्दू में क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। हाँ बताएं बताएं, पंजाबी तो सारे बैठे होंगे मेरे अलावा, अक्सर ही बैठे होंगे। क्या मतलब होता है विल्ला विल्ला? पंजाबी नहीं बोलता घर में, ये तो नया प्रॉब्लम शुरू हो गया। चलो इन्हें नहीं के छोड़ देते हैं। स्पार्सिटी का मतलब होता है जहां पे ना गैप हो डाटा में, या सिंपल लफ्जों में, सिंपल लफ्जों में, ठीक है जी, पंजाबी में विल्ला विल्ला समझ आ गया अंदाजे में। तो हाँ इन्हें नहीं के सॉरी, स्पार्सिटी का मतलब क्या है, जहां पे डाटा में गैप हो, या आसान लफ्जों में जहां पे मिसिंग वैल्यूज हो। आपके पास एक कॉलम है या एक रो है, उसमें कुछ वैल्यूज पता है कुछ वैल्यूज नहीं पता। और लॉजिकली क्या होता है, ये डाटा का काफी बड़ा प्रॉब्लम है स्पार्सिटी का, क्योंकि जब भी आप डाटा रियल लाइफ से लेके आ रहे होंगे उसमें मिसिंग वैल्यूज बहुत ज्यादा होंगी। ठीक हो गया, एक ये होती है, और एक जैसे पहले भी कई दफा बात शायद हो चुकी है, रेपिटेशन होती हैं। जब रेपिटेशन होते हैं तो हम डिलीट करते हैं, फिर नया मसला होता। ठीक है, इन एनी केस रेजोल्यूशन, डाटा रेजोल्यूशन, इसका क्या मतलब होता है? इमेज रेजोल्यूशन का तो आपने सुना तो जरूर। हाँ, नंबर ऑफ पिक्सल्स, क्या इसका फर्क क्या पड़ता है, ज्यादा होते हैं कम होते हैं, फायदा है नुकसान? एक मिनट भाई को करना जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, एग्रीड। ऐसे ही सारों का रेजोल्यूशन का, रेजोल्यूशन का इमेज की जो रेजोल्यूशन होती है वो सिंपल होती है कि आपके पास एक स्पेसिफिक जगह पे पिक्सल्स कितने हैं। ठीक है, जैसे स्क्रीन होती हैं आपकी, और मेगापिक्सल का जो कंसेप्ट है बड़ा आसान सा, वो सिंपल ये है कि जी आपके पास एक स्पेसिफिक जगह पे कितने पिक्सल्स हैं। ठीक है, अब वो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। जैसे अगर हम प्रिंटर की बात करें तो आपने कुछ ने शायद पढ़ा होगा डॉट्स पर इंचेस का एक वर्ड यूज होता है, डीपीआई। ठीक है, डीपीआई पढ़ा है ना या सुना है? डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंचेस, यानी कि जब प्रिंटर असल में जब प्रिंट करता है तो क्या होता है, एक सुई होती है जो टक 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 कर रही होती है अंदर ना। ठीक है,
वो क्या करती है कि एक इंच के अंदर कितने डॉट्स लग रहे हैं, जितने ज्यादा डॉट लगेंगे उतना वो नेचुरल लगेगा। ठीक है, ये सारी जो कहानी है ये पिक्सल की रेजोल्यूशन की, ये क्या स्पेश डिजिटल को एनालॉग की तरफ लेके जाने की ना, क्योंकि इंसान जो एनालॉग डाटा देखता है ना या लिखते भी हमारे लिहाज से एनालॉग ही होता है, तो डिजिटल में कम जगह आ रही होती है, एनालॉग में ज्यादा होती है, तो उसको कन्वर्ट करने की ये कहानी। इन्हें क्या डीपीआई का आपको समझ आ गया, मेगापिक्सल्स की भी आपको आइडिया है। जैसे अभी ये स्क्रीन भी बनी है ना, ये दूर से तो शायद ज्यादा नजर नहीं आ रही क्योंकि इसमें पिक्सल बहुत छोटे हैं, इस वाली बड़ी हाई क्वालिटी स्क्रीन है ये, वरना ना अक्सर जगहों पे नजर आता है कि ना छोटे छोटे डब्बे नजर आ रहे होते हैं जिसको पिक्सल कहते हैं। तो और ये सारी जो स्क्रीन है उसमें लेट से 4000 बाय 4000 पिक्सल्स होंगे, तो जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज्यादा बेहतर क्वालिटी नजर आएगी। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन से वही मुराद है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंसेप्ट आगे भी आएगा लेकिन मैं यहां भी बना देता हूं। मैं कहता हूं यार आपने ना शायद ये चीज देखी भी हो, अभी बात कर लेते हैं। ये कोई शेप देखी है इस तरह की कभी, देखिए ये क्या कहते हैं सर, नहीं साइनोसॉइड नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से आपने कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ी होगी, प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी पढ़ी है ना, उसमें होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, सही कह रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद है, नहीं याद, चले मैं अभी एग्जांपल कोट करता हूँ, मेरे काफी मैं इसका वो रहा हूं ना, शिकार रहा हूं इसका ना, पता नहीं पंजाबी में सब क्या कहेंगे, लेकिन स्टिल शिकार से मुराद ही होता है। लेट्स से अभी आप वाली क्लास ही वजह से थोड़ा अजान भी कर लेते हैं ताकि सारे इंटरेस्ट लें, अभी आप लोग ही ग्रेडिंग करते हैं जैसे ना, करेंगे इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी, ऐसे है ना, अगर मैं ये कहूँ कि यार हमने ना बच्चों के ग्रेड लगाए और 100 की क्लास थी और मैंने ग्रेड इस तरह के लगा दिए कि ए माइनस, ऐसे है ना, मैंने कहा जी 20 का ये है, 40 का ये है, 40 का ये है, सुने, अब अगर ये इस पे ना, मैं अभी 8-10 स्लाइड इधर ही चलाता हूँ इसी के ऊपर, इसी कंसेप्ट पे काफी सारे कंसेप्ट इधर ही क्लियर कर देता हूँ। क्या ख्याल है, ये इंटरेस्ट लेके जरा बताना है, क्या ख्याल है, ये अच्छा रिजल्ट होगा कि नहीं, बेहतरीन होगा ना फॉर स्टूडेंट्स, लेकिन फॉर टीचर भी छोड़ दें, फॉर मैनेजमेंट, फॉर यूनिवर्सिटी क्या कहेंगे, अगर वीसी साहब उठा के देखते हैं तो क्या कहेंगे, बच्चे को नहीं, टीचर को भी नहीं, पहले बेचारी चेयरपर्सन को, ऐसे है ना, ऐसे होगा ना। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये यहां तो ग्रेड की एग्जांपल दे दी, नॉर्मल लाइफ में भी क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सारा इस तरह के डाटे हो हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, अच्छा इसके अलावा भी आम रियल लाइफ में आपके पास किसी भी किस्म का डाटा जिसे आप क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो कभी भी हो सकता है कि वो इतना हाई चीज हो, लॉजिकली ऐसे नहीं होता ना, अमूमी तौर पे ग्रेड्स की भी अगर हम बात करें तो ग्रेड्स कैसे होने चाहिए ज्यादातर कि हाई भी होने चाहिए, ए प्लस भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए, बी प्लस भी होना चाहिए, और सच लफ्जों में तो एफ भी होने चाहिए, लॉजिकली ठीक है, लॉजिकली। और कुछ मैंने कल भी बात की थी, कुछ टीचर दे देते हैं ना, मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे हैं लेकिन जो दे भी देते हैं एफ शेफ ना, मैंने तो कभी नहीं दिया लेकिन कुछ है ना, जिसके भी कह रहे हैं, काफी और भी लोग होंगे, अभी और भी आ गए, और भी आ रहे हैं माशाल्लाह ना तरतीब से। हाँ नहीं, हिन्ना तो मेरी स्टूडेंट तो नहीं, वो तो साथ किया उसके, लेकिन अभी और भी आए हैं, एक दो और नई हायरिंग आई है ना अभी, आप शायद पता नहीं पढ़ेंगे कि नहीं, लेकिन वो भी समयान की कैटेगरी के लोग हैं। हाँ ये आप समयान से बात कीजिएगा, यही खत्म कर देना, ये बेहतर है, इन्हें नहीं कैसे। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो डायग्राम हमने बनाई थी ना, इसको थोड़ा सा हम तरतीब अगर करें, हम कहते हैं यार ये है लेट से ए प्लस, ये है ए, ये है लेट से बी प्लस, ये बी, लेट से सी, और ना ये मैं दरमियान में ये लाइन लगा रहा हूं, ये जो लाइन है ना दरमियान में, ये है मीन ऑफ डाटा, एवरेज ऑफ डाटा। ठीक है, अब बड़ा आसान हमारे पास लाइफ हो जाती है, अगर हमारे पास जो ग्रेड्स हैं वो इस चीज को फॉलो कर लें, ये जो डायग्राम बनी है, अब ये भी मैं बताता हूँ डिटेल क्या इसकी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मीन जो है हमारा बी प्लस पे हो, तो ये बड़ा अच्छा डाटा होगा। वैसे अगर मैं सच बोलूँ तो स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छा होगा, आप में से अक्सर एग्री कर जाएंगे कि सर इतना भी आ जाए तो बेहतरीन है, ऐसे होता है ना, 90% हम पढ़ाते हैं तो क्लास वाले बच्चे जो है ना वो इसमें बड़े खुश होते हैं कि अगर बी या बी प्लस भी आ जाए तो गुजारा हो जाता है, ऐसे है ना।
तो इसका मतलब ये वाला बनता है। अब इधर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये लाइन बता क्या रही है। ये जो दरमियान वाले ये जो है ना, ये जो चीज है, ये है डाटा का स्प्रेड। डाटा का स्प्रेड यानी सिंपल लफ्जों में कितने बच्चे हैं जो ए प्लस पे हैं, कितने ए पे हैं, कितने बी पे हैं, ये सिंपल पॉइंट्स मैंने लगाए हुए हैं। ठीक है, समझ आ रही? जैसे मैं कहता हूँ ए प्लस है ना, इतने बच्चे ए प्लस के हैं, इतने ए के हैं, इतने बी प्लस है, इतने ए माइनस है, इतने बी हैं और सो ऑन, और इनको मैंने फिर लाइन से जोड़ दिया। बस ये मैंने किया। ये बात समझ लें, इससे ना काफी सारी स्लाइड्स बच जाएंगी। ये बात समझ आ गई सबको? ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या करें कि जो भी इसका दरमियान बनता है, उधर मैंने लाइन लगाई, इस केस में ये बी प्लस बन रहा है, तो ये इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया, क्लियर है वाली बात? अगर इसका दरमियान जो है वो होता, रबड़ के चलो छोड़ दें, अगर वो दरमियान, लेट से ये लाइन नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया, अगर वो लाइन ये है, ये वाला लाइन है, अगर ये लाइन है तो कंसेप्ट समझे मैं कौन सा हूँ, इन केस ये अगर लाइन यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है कि हमारा रिजल्ट गलत है। ऐसे ही हमारा रिजल्ट गलत है कि जो मीन वैल्यू हमारी आ रही है वो आ रही है ए के ऊपर, तो जो बच्चे हैं या तो ए प्लस होगा या ए होगा या ए माइनस होगा, बस ऐसे ही ना, एग्रीड? इसे कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा, पॉजिटिवली एस के ई डब्ल्यू ई डी, पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा। ये बात समझ आ जाती है सबको? गुड हो गया। अच्छा, अगर इसी तरह ये लाइन इधर की बजाय यहां होती तो फिर आप लोग कहते हैं कि ये उस्मान ने नहीं पढ़ाया, समयान साहब ने पढ़ाया। ठीक हो गया, वैसे समयान साहब नहीं है, टफ ग्रेड अच्छे देते हैं वो, डॉक्टर इरफान से पढ़े थे, इरफान लाल चौधरी साहब से, फिर वो ये कोर्स हो जाता वो ना। ठीक हो गया, इन एनी केस, इन एनी केस वो फिर उनका उनका है जरा ना, समयान भाई वैसे नहीं, वो तो ग्रेडिंग सही कर देते हैं, कैचे जो भी, लेकिन इरफान साहब पढ़ाते बहुत अच्छा थे पर ग्रेडिंग टफ थी उनकी ना, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड होगा फिर। ठीक है, तो ये रफ से एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दी। अच्छा, अब यहाँ पे ना दो वर्ड लिखे हैं, सेंट्रलिटी, सेंट्रलिटी का मतलब तो मीन हो गया, डिस्पर्शन का मतलब क्या होगा, स्प्रेड जो है हमारे पास। ठीक है, तो बेहतर कौन सा होता है जिसमें स्प्रेड भी हो और जिसका मीन अच्छा हो। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं अभी तक जितना पढ़ाया उसमें, कोई क्वेश्चन है? ठीक है जी, हाँ। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखें हम क्यों ये चीजें पढ़ रहे हैं कि इस तरह का डाटा हमने प्री प्रोसेस करके बनाना है, खुद हमने बनाना, क्योंकि जो हमने एल्गोरिथम्स चलाने वो इन चीजों पे बेहतर परफॉर्म करेंगे। अगर आपका डाटा इस तरह के फॉर्म में होगा तो फिर एल्गोरिथम बेहतर परफॉर्म करेगा, उसकी एक्यूरेसी बेहतर होगी। ये बात समझ आ रही है? एक्यूरेसी से या बेहतर परफॉर्म से मुराद क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास ही है और मैंने ना ग्रेडिंग की हुई है ए प्लस ए और बी, बी प्लस चले लेट्स है ना, मेरे पास एक बच्चा आता है कहता है सर मैंने पेपर नहीं दिया, मैं उसका रिकॉर्ड निकालता हूँ। ठीक है, ये क्लासीफायर ही है, मैं क्लासीफायर में किस्म हूँ, मैं उसका रिकॉर्ड निकालता हूँ, उसके ग्रेड थे 2.2 CGPA अभी तक ना, लेकिन मैंने सारी क्लास को ही 3.7 तक रखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मेरी मजबूरी क्या है कि मैं उसे 3.7 ही लगा दूंगा। समझ आ रही बात की? तो ये क्या होगा, गलत है ना, ये मैंने क्लासीफाई किया लेकिन गलत क्लासीफाई किया कि एक बच्चा जिसका 2.2 CGPA सारा वक्त चला है, लेकिन मैंने क्योंकि ज़बरदस्ती सबको ग्रेड दिए हुए हैं तो मैं ग्रेडिंग या क्लासिफिकेशन गलत कर रहा हूँ। समझ आ रही बात की? तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं ग्रेडिंग ठीक करूँ या डाटे को अपने को ठीक करूँ, तो अगर मैंने वो सही डाटा रखा होगा तो क्लासीफाई भी वो ठीक होगा। ठीक है, वो फिर प्रॉब्लम स्पेसिफिक है, फिर वो अगर कुछ डाटा ऐसा है जो स्क्यूड ही ठीक है वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक। देखिए वही तो एग्जांपल हम ले रहे हैं अभी कि अगर ग्रेडिंग है मैंने जमा करवानी है, कोविड आया हुआ है, किसी ने नहीं पूछना, वीसी ने सिर्फ ये कहा है कि भाई मैंने गवर्नर को रिजल्ट दिखाना है कि जमा हो गया, जो मर्जी मजे करें, किसी ने पूछना ही नहीं, तो स्क्यूड निकल जाएगा। ये बात समझ आ रही है? मैं लेट से जी मेरे पास कोई अथॉरिटी है, मैंने वीसी के सामने नंबर बनाने, मैंने कहना जी डिपार्टमेंट वाले बच्चे नहीं पढ़ते, मैंने नेगेटिवली स्क्यूड कर दिया, वो तो फिर सिनेरियो बेस्ड है वो। समझ आ रही मेरी बात की? जो स्क्यूडनेस है वो सिनेरियो हो गया ना फिर वो। या चले इसी तरह ये इसकी हमने एग्जांपल ली थी माल्टे की और अनार की, हमने एक फैक्ट्री में लगाया जहां पे सिर्फ माल्टा होता ही बड़े अच्छे साइज का हर चीज पूरी होती है, फिर तो हमें जरूरत ही नहीं है इतनी एफर्ट करने की। लेकिन ईमानदारी से अगर आप देखो तो ऐसा होता नहीं है, आम लाइफ में ऐसा नहीं होता ना, एग्जाम्पल्स होती हैं रियल लाइफ के लिए, क्लासीफायर या आपको जो हम ट्रेन करते हैं रियल लाइफ के लिए करते हैं ना कि नहीं, लॉजिकली, या अगर हम नहीं भी करते डिपार्टमेंट वाइज तो जाके धक्के खा के सही हो जाते हैं ना बच्चे, रियल लाइफ इज डिफरेंट। अभी आप में से मैं अभी पूछ लूँ तो कई लोग हैं जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हो ना जाके, या अभी नहीं कि करोगे जाके, जब आपने सॉफ्टवेयर के इंटरव्यू के लिए जाना है
तो रातें नींद उड़ी होगी, पढ़ के ही जाओगे, तो वो रियल लाइफ की तैयारी करनी होती है। समझा रही बात की कि नहीं? चलें आगे चलें। शॉर्ट से मुराद तरतीब बना देना। नहीं नहीं यार, इसमें ना इसमें इसमें अच्छी चीज ये है, डाटा माइनिंग में ना कर सकते हैं, प्री प्रोसेसिंग में आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, तरतीबें लगा सकते हैं, लेकिन ना इसकी अहमियत नहीं होती चीजों की इनकी, क्योंकि इसमें सारी अहमियत जो है ना वो आखिरी लेबल की है बस। जो आगे लेबल लगवाए ना, ए प्लस वाला या ए माइनस वाला, बी प्लस वाला, करना चाहे सॉर्टिंग तब भी कर लें, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए ना, मीन की वैल्यू तो वही आएगी, उसकी फर्क नहीं पड़ेगा। समझा रही बात की? लेकिन करना चाहे कर सकते हैं, प्री प्रोसेसिंग में आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आ रही? कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा इतना फर्क नहीं है, लेकिन करना चाहिए कर दें। अच्छा, इन एनी केस डेटा ऑब्जेक्ट्स की बात हम कर लें, एक दफा पढ़ लो। ये एट्रीब्यूट्स को कहते हैं, जो अभी हम बात कर चुके हैं ना, रिकॉर्ड्स को, एट्रीब्यूट्स को, जैसे माल्टे की हमने बात की थी, साइज, शेप, कलर, वो सारी चीजें जो थी एट्रीब्यूट्स है वो। अच्छा जी, यहाँ पे अब कुछ टाइप्स हैं इसके एट्रीब्यूट्स की, बड़ी आसान सी है। पहली चीज है नॉमिनल, दूसरी बाइनरी। हाँ जी, ऐसे ही है। चलो, एट्रीब्यूट जो ऊपर लिखा भी एक दफा पढ़ लिया होगा आपने, खैरिये, कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, ये मैं बोल भी चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें किस टाइप के हो सकते हैं? नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई नाम हो। ठीक है, जैसे उस्मान है, वहाब साहब है, इस तरह जो भी नाम बनते हैं हमारे पास, वहाब नाम है ना। ठीक है, अच्छा, इसी तरह बाइनरी का मतलब क्या होता है? 0-1 के फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म है। आगे कुछ डिटेल्स भी आ जाएंगी। न्यूमेरिक की जो है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? नंबर की फॉर्म में होना। उसमें एक न्यूमेरिक में इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, ये भी आगे एग्जांपल देखते हैं जी। नॉमिनल के अंदर वही कैटेगरीज हैं, इनको कैटेगरीज भी कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं, या ये नेम ऑफ थिंग्स होंगे, जैसे मैंने भी उस्मान, वहाब इस तरह कहा था। यहाँ पे इन्होंने कुछ कैटेगरीज बताई हैं, हेयर कलर जैसे ब्लैक है, व्हाइट है, ग्रीन है, ब्लू है, ये बच्चों ने रखे होते हैं आजकल। अच्छा, इसी तरह मेरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन जी, नहीं होते आजकल बच्चों ने रखे होते हैं बाल, बच्चे बच्चों ने, गलत क्या कहा? अच्छा, नहीं, केस बाइनरी पढ़ लें यार, ये तो सीधा सीधा ही है, इसमें फिर बोलने की जरूरत ही नहीं है। बाइनरी के अंदर क्या है? वैसे एक चीज मैं सिंपल सी बता दूं, इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक सिमेट्रिक लिखा हुआ है और एक एसिमेट्रिक लिखा हुआ है। सिमेट्रिक वो होता है जिसकी ना डेटा के अंदर आउटकम आने के चांसेस बराबर हो, यानी कि जो जेंडर है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, सिमेट्रिक डाटा ये होता है। उसके मुकाबले में एसिमेट्रिक ऐसे होता है जिसके अंदर एक तरफ ज्यादा चीज वैल्यू अकर करती है। जैसे यहाँ पे मेडिकल टेस्ट की बात लिखी है, मैंने पहले भी शायद एग्जांपल दी थी, अगर जनरल अस्पताल में एक दिन में ब्रेन के 100 MRI, 1000 MRI होते हैं, तो उनमें से पॉजिटिव शायद एक भी ना आता हो, तो ठीक है, तो ये एसिमेट्रिक डाटा होता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह और भी शायद एग्जाम्पल्स होंगे। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनल का मतलब वो होता है जहाँ पे हमने ना कोई स्केल डिफाइन किया हो, जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी है कि हम आपके ग्रेड्स की बात करें तो ए प्लस, ए माइनस, और इस तरह चलता है। ठीक है ना, इस तरह साइजेस की बात करें तो ये लिखा हुआ है कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह प्रोफेसरों की बात करें तो हमारी रैंकिंग होती है, प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट लेक्चरर, PF, और ये सारी चीजें। ठीक है जी, अच्छा, क्वांटिटी में भी फिर दो डेफिनेशन है, एक इंटरवल बेस्ड और एक रेशियो बेस्ड है। इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपके पास कोई स्पेसिफिक इंटरवल में चीजें चाह रही हैं, जैसे टेम्परेचर के अंदर सेल्सियस डिग्रीज हमारे पास चाह रही हैं, कैलेंडर्स हमारे चाह रहे हैं, एंड सो ऑन। रेशियो क्या चीज होती है? रेशियो दो लेवल पे अगेन होती है, एक अगर हमारे पास बेसिकली हमने डिस्टेंस बताना होता है दो चीजों में ना, जैसे हमारे पास लेंथ के लेंथ है, यहाँ पे एग्जांपल काउंट्स है, मॉनेटरी क्वांटिटीज। ठीक है, ये चीजें सीधी सीधी। अच्छा जी, इसी तरह फिर कुछ हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं और कुछ कंटिन्यूअस होती हैं। डिस्क्रीट कॉमनली ज्यादातर हम फिर ये जो कैटेगोरिकल डाटा होता है उसके लिए यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल प्रोफेशन की अभी बताई हुई है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है, और कंटिन्यूस वैल्यूज जो होती है वो चेंजिंग हो रही होती है, जैसे हाइट है, विड्थ है, टेम्परेचर है, ये कंटिन्यूस वैल्यूज होती है हमारे। ठीक है जी, कोई इनमें क्वेश्चन तो नहीं है मेरा, स्टेट अवे है। अच्छा जी, अब आते हैं बेसिक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा पे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हम खड़े कहाँ पे? हमने सिर्फ ये देखा है कि डाटा की टाइप्स कौन सी है, डाटा की प्रेजेंटेशन कौन सी है, और कुछ उसकी डेफिनेशन देखें। ऑल दो इसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कुछ हम बोल चुके हैं। एक तरीका मैं एक और एड ऑन कर देता हूँ, जो मशीन लर्निंग में काफी ज्यादा यूज करते हैं डेटा की, इस वाले के लिए, उसे कहते हैं मल्टी मल्टी मॉडल। ये और ये मॉडल जो वर्ड है ना, MODAL है, इसमें जो मॉडल है उसकी एग्जांपल ये हो सकती है, टेक्स्ट एक मॉडल है,
इमेज एक मॉडल है, वीडियो मॉडल है, जीन सिक्वेंसिस एक मॉडल है, ये बात समझ आ रही है? देखें डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट मोडेलिटीज ऑफ डाटा ना, मोडेलिटी कौन सी है, ये जो आप राइट कर रहे हो ये टेक्स्ट एक मोडेलिटी है, जो मैं बोल रहा हूँ ऑडियो वो मोडेलिटी है, जो हम तस्वीर बनाते हैं इमेज वो एक मोडेलिटी है, वीडियो हम बनाते हैं वो भी एक मोडेलिटी है, वेब पेजेस जो होते हैं वो एक डिफरेंट मोडेलिटी है, तो इनको मोडेलिटी भी कहते हैं। तो डेटा को डिफाइन करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, कुछ बुक में थे, एक आधा मैंने बता दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शंस पे आ जाते हैं। अब ये भी बड़ा आसान है, पुराने फार्मूले ही उठाए हुए ज्यादातर। डेटा डिस्पर्शन का मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी कुछ हम बता देते हैं कि आपके पास कोई डेटा है तो सबसे पहले आपके जहन में क्या चीज आती है कि डेटा के साथ हम क्या कर सकते हैं। सबसे आसान से जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं वो कौन से हैं, मीडियन है, मोड है, मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसे ही ना, एवरेज मीन ही होगी, एग्रीड, ऐसे है ना, तो ये कुछ वैल्यूज हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी ये लिखा है मीडियन मैक्स मीन क्वांटाइल लिखा हुआ है। क्वांटाइल का क्या मतलब होता है? क्वांटिटी वाइज होता है, लेकिन क्या होता है? अच्छा देखो, डाटा को प्रेजेंट करने के फिर अगेन काफी सारे हैं। अमूमी तौर पे हम लोग जो ज्यादा काम करते हैं या तो जैसे डाटा वैसे उसी तरह कर दें या परसेंटेज में लेके जाते हैं। क्वांटाइल जो है वो क्वार्टाइल से मिलता जुलता ही है, क्वार्टाइल में 25% काम कर लेते हैं, ठीक हो गया। और ये जो क्वांटाइल है बेसिकली ये होता है कि एक डाटा को बेसिकली दो तरीकों से प्रेजेंट करना। अभी से भी देख ले, मैं एग्जांपल दूंगा अभी इसकी। इसी तरह आउटलायर और वेरिएंस फर्क आपको पता है, ठीक हो गया जी। क्वांटाइल की एग्जांपल अभी आ जाएगी। अच्छा, ये कुछ फार्मूलाज हैं जो पहले भी आप मेरा ख्याल है चौथी पांचवी से देख चुके होंगे आप, तो कि डाटा आपके पास आया, एवरेज होती है उसकी, एवरेज में फिर अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह मीडियन, मोड, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं वैसे डायग्राम बना चुका हूँ, सिमेट्रिक वर्सेस स्क्यूड डाटा। मैंने वहां टर्म यूज नहीं की थी, जो ऊपर वाली बनी हुई है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कह रहे थे, इसको ना नॉर्मल भी कहते हैं, इसे गॉसियन भी कहते हैं। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इसे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और इसे बेल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। बेल, बेल शेप्ड होती है ना, इसकी बेल जैसे घंटी होती है, तो इसलिए इसे बेल शेप्ड, बेल भी कहते हैं, बेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको ये डायग्राम मैं पहले बना चुका हूँ, ठीक है। नॉर्मल क्या है, जब बी प्लस का बी वाला हो, ए प्लस का ए वाला हो, या जो मीन वैल्यू हो बी प्लस पे हो, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी को? आपको बेटा कुछ चीज समझ आई अभी तक या कुछ समझ नहीं आया? अच्छा जी, मेयरिंग डिस्पर्शन ऑफ डाटा। अच्छा, वही दोबारा डायग्राम जो थी ये वाली, हमने वहां पे क्या टर्म यूज की थी, ये मीन है हमारा, ये वाली चीज जो दरमियान में, मीन का मतलब ही क्या होता है, दरमियान वाली लाइन, ऐसे है ना। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ना, ये दरमियान का और इस लाइन का, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी, ऐसे है ना। इसी तरह इस वाले को भी कहते हैं एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे है? कि जो डेटा पॉइंट्स हैं उनकी मीन वैल्यू से कितना डिस्टेंस है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे। इन दोनों को अगर मैं कल बराबर जमा कर दूं तो इसे क्या कहते हैं, वेरिएंस, ठीक है। ये जो थिक, ये जो लाइन है ना, ये वेरिएंस है, और ये जो अकेली है इसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, ऐसे होता था ना, ठीक है, देख लीजिएगा, आसान ही, कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा, इन एनी केस, मेजरिंग द डिस्पर्शन ऑफ डेटा। अब इसके ये डिफरेंट ना फिर हमारे पास तरीके हैं, ये अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका है कि डाटे को आप जब डिफाइन कर रहे हो तो बजाय परसेंटेज के क्वार्टाइल्स में कर दो। क्वार्टाइल का मतलब होता है यानी कि 25% हिस्सा ना, यानी कि एक चीज को अगर ये जो डेट आप लोग बैठे हैं, एक तरीका ये कि मैं 50-50 कर दूं, 50 इधर कर दूं, 50 इधर कर दूं, एक मैं चार हिस्से कर दूं, 25-25-25, ठीक है, पोर्शन उसके करें, क्या ख्याल है, क्या फायदा होगा इसका? आसानी होगी, जितना हम डिवाइड करेंगे उतना आसान हो जाएगा, ऐसे है ना। लेकिन 25% से ज्यादा कर देंगे तो फिर इंटीग्रेशन दोबारा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए क्वार्टाइल का कंसेप्ट है कि अगर डाटा 100 है ना आपके पास, तो बस चार हिस्सों में कर लो, करने में क्वार्ट आठ को क्या कहते हैं, क्वार्ट नहीं, नहीं ऑक्टा और होता नहीं इसमें, कुछ और, चलिए नहीं, नहीं जो भी होता है, लेकिन स्टिल इसी से मिलता जुलता लगता है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी। इन एनी केस, इन एनी केस, चार में अगर कर लें तो नॉर्मल बनेगी हमारे पास ना, ठीक है जी। इन एनी केस, क्वार्टाइल्स हैं Q1 25%, Q3 जो है 75%, नाम से पता लगता है।
इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है कि दो क्वार्टाइल्स के दरमियान कितना डिफरेंस है, यानी कि जो 75% वाले हैं, यानी कि अगर चार हिस्से किए हैं, ये 25 ये 25 वो, 25 ये 25 ये, तो इन दोनों में क्या डिस्टेंस है, या इन दोनों में क्या है, या इन दोनों में क्या है, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है। इसी तरह एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पे लिखा नहीं हुआ शायद, ये बॉक्स प्लॉट जो है ना, ये वाली चीज, ये भी इसके पे हम आना चाह रहे हैं। ये डाटा को प्रेजेंट करने का एक और तरीका है जिसके अंदर ये हम पांच चीजें देखते हैं, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीडियन वैल्यू, Q1 और Q3। ये भी मैं दिखाता भी हूँ दोबारा ना, इन एनी केस, और आउटलायर, ये सारी वेरियंस के फार्मूले लिखे हुए हैं। हाँ जी, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये चीज आ गई अभी, ये देखें, ये ऊपर वाली फिगर नजर आ रही है सबको, ये एक मिनट है, एक आगे मैंने फिर दी हुई है, ये मैं वापस आऊंगा इस पे आ जाता हूँ, ये वाली, ये जो फिगर है ना, इसे कहते हैं बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट। अब यहाँ फिर अगेन क्वेश्चन ये है कि जो डाटा है ना, डाटा किसी भी किस्म का डाटा, आप लोगों का भी, हमने पहले ही बात की है कि ज्यादातर जो दरमियानी वैल्यूज है उसमें डाटा अकर करता है, इससे मुराद क्या है कि 25 से 75 के दरमियान डाटा होता है ज्यादा ना, ठीक है, कि जो ज्यादा डाटा है वो क्या है, दरमियान वाली स्टेट पे होगा, 25 से 75% के दरमियान ही होना चाहिए लॉजिकली। आपके पेपर्स की भी अगर हम बात करें, किसी बच्चे के अगर 18, 19, 20 नंबर है तो लामाला वो आउटलायर है, इस साइड पे निकम्मा ही है। इसी तरह अगर किसी के 75 से ऊपर है तो भी फिर सर ने कोई, मेरा ख्याल है, फेवर ही दी हुई है, या फिर बहुत ही जहीन है बच्चा, वैसे होते हैं, बाज होते हैं, लेकिन स्टिल ज्यादातर ये होता है कि जी फेवर दी हुई है, कि जी मुझे नाम ही पूरी क्लास में इनका आता है तो चलो इनकी लगा दो, ठीक है, या अतीक का भी आता है, दो का आगे, तो इन्हें नहीं कहते, तो ये चीज आ गई हमारे पास, मुझे फिर भी भूल जाते हैं नाम यार, नहीं इनका याद रखते हैं नाम, आपका क्या नाम है सर, जीशान, अच्छा ठीक है, ये हमारे पास ये बात कंसेप्ट समझ आती है। इसका मतलब ये जो डब्बा बन रहा है ना बच्चों, ये अहम है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास डाटा अकर करेगा, यानी कि ये Q1 और Q3 के दरमियान, और ये जो दरमियान की लाइन है ये 50% की है, जो मीडियन भी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ही आता है, फायदा क्या है इसको करने का, बड़ा आसान सा फायदा, वो कैसे, अब ये जो दरमियान वाली लाइन है ना, ये अगेन आप समझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है। अगर इस लाइन को मैं आगे कर दूं, मीडियन यहां पे ड्रॉ कर दूं, अब क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड, ऐसे ही पीछे कर दें तो नेगेटिव स्क्यूड है। तो अगेन हम सिर्फ डाटा की प्रेजेंटेशन चाह रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज आई, बल्कि ना एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं, डॉक्टर महूद का पता है कई लोगों को, चलें अभी तो वो कंट्रोलर है या कन्वीनर है, इससे पहले वो हमारे चेयरपर्सन चेयरमैन होते थे, ठीक है, एक वक्त था जब हमारे चेयरमैन थे वो, उनके वक्त में ना मैं पीएचडी करके वापस भी आया, 2012 की बात है, तो मैं रिजल्ट जमा करवाने गया, तो मैंने खुले डुले नंबर लगा दिए, उन्होंने कहा बेटा इसकी ना डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, आगे मैं भी जरा उस्ताद था, मैंने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंट टाइप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ आमिर भाई से, कि अभी जो हम बात कर रहे हैं डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन की, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी फिट इन बैठेगी, एग्री बात समझ आती। अब आप सोच के बताइएगा, जो हम इंसान है, इंसान अगर हम इनकी हाइट की डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, क्या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन सकती है? आपका नाम आमिर है, जिसका आमिर नाम है सब दान दो ना, सोचने दो से, वरना जिशान बताएगा फिर। दोबारा क्वेश्चन समझ आया मेरा, आपके जो ग्रेड्स हैं, आप एग्री करते हो ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी, कि एक बंदा जो नहीं, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, यही है कि एक अननोन वैल्यू आया तो आप कहीं फिट इन कर दो, ठीक है ना, चाहे जिशान भाई हैं, चाहे आमिर भाई हैं, चाहे वहाब साहब हैं, मुझे नहीं पता इनमें कौन अच्छा बच्चा है ना पढ़ने वाला, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली बेचारे का किसी का टेस्ट मिस हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, और ये अगर आते हैं और मैं इन्हें कहता हूँ यार कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है, आपको कहीं फिट इन करना है, तो बी प्लस पे तकरीबन गुजारा हो जाएगा, अगर वो गोल्ड मेडलिस्ट या उस तरह का तो और मसला है, वरना वो मान ही जाएगा, एग्री करते हैं ना इस चीज़ से, ठीक है मेरे भाई। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि चेयरमैन को खुश करना है या वीसी साहब को जवाब देना है कि हमने रिजल्ट सही बनाया, क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खुश कर सकती है? नहीं, ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि और डिस्ट्रीब्यूशन भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, ये जो वैसे जो मैंने भी क्वेश्चन किया था, इसका जवाब है एक डिस्ट्रीब्यूशन और होती है, उसका नाम है एरलैंग के नाम से, एरलैंग के, वो शुरू ही ऊपर से होती है, यानी कि वो इस तरह होती है, ये तो है ना, ये देखो नॉर्मल यूं चाह रही है, एग्रीड, जो एरलैंग है ना वो यूं होती है, हाइट हमारी ऐसी होती है ना, वैसे तो बुढ़ापे में कमर झुक जाती है, लेकिन चलो पाकिस्तानी बेचारे इतना कहाँ जीते हैं, लेकिन स्टिल ऐसी होती है कि शुरू थोड़ी सी ऊपर से हुई और फिर हाइट एक नॉर्मल हो गई, ऐसे होता है यार, इसमें गलत क्या है, ठीक है। तो खैर किस्सा मुझसे वापस आते हैं,
अब मऊद साहब को ने मुझे कहा, तो मैंने ना इस तरह का कुछ का जुगाड़ लगाया, एल लेंथ या कोई और करके मैंने कहा, नहीं उन्होंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। उसमें मैं फंस गया फौरन, ठीक है, उसमें अगर मैंने ग्रेड ऐसे लगाए हुए तो बड़ी आसान लाइफ होगी। उन्होंने फौरन कहा, या अगर ये मैंने बनाया होता बॉक्स प्लॉट बनाया होता तो फौरन कहते कि बेटा इतने बच्चों को बी प्लस दे, ए प्लस दे दिया या ए दे दिया। समझा रही बात, समझा सकूं? नहीं समझे अभी भी? नहीं नहीं एक मिनट, कितनों को नहीं यार, कोई मसला नहीं है, दोबारा कर लेते हैं, यही समझने का आज लेक्चर में है ही मेन, ये बाकी तो सारी कहानी है वो आप पढ़ सकोगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, देखो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिकली क्या होना चाहिए कि जो दरमियानी वैल्यू है, ग्रेड इसलिए फिट आ रहा है कि आपको समझ आ रही है, जो दरमियानी वैल्यू है उस पर ज्यादा लोग होने चाहिए। कंपनी की सैलरी की अगर आप बात कर लें, आप इंशाल्लाह जॉब्स करेंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप लोएस्ट पे होंगे और जो बॉस होता है वो मैक्सिमम पे होता है, लेकिन क्या ज्यादातर लोएस्ट पे होते हैं या ज्यादातर मैक्सिमम पे होते हैं? ऐसा नहीं होता। जिन कंपनियों में ऐसा होता है वो कंपनियां तबाह हो जाती हैं। ऐसे है ना कि या तो सारी लाखों में बैठे हैं या सारी आपकी तरह बच्चे हजारों में बैठे हैं, तो दोनों सूरतों में कंपनी तो नहीं चाह रही। कंपनी चलाते हैं दरमियाने लोग, जो तीन तीन चार चार साल हो गया होता है दरमियान में बैठे होते हैं। जी 3.2 नहीं नहीं बहुत बेहतर चला सकते हैं यार ये, जैसे अभी इनसे मजाक शुरू हो गया, पता नहीं 2012 की बात होगी, एक बच्चा था क्लास में हमेशा आता था वो, ठीक है, कुछ नहीं बोलता था, जैसे अभी भाई को भी मैं सर हुआ, वो बड़ा मैं उसे कहता था कि यार आंसर दे आंसर दे, तो खैर जी उसकी टाइम गुजर ही जाता है, गुजर गया क्लास का, मुझे बस मैंने किसी से पूछ के मैंने कहा यार उसका क्या कैसा लड़का था, ग्रेड शेड भी उसका कोई सी शी में बनता था, मैंने उसे बी प्लस या कुछ ऐसे कर गुर दिया ना। एक दिन आया जी मिठाई लेके ना वो मेरे पास बैठा था, मैं काम कर रहा था, मुझे कहता सर 65,000 की नौकरी लगी है। मैंने कहा यार माशाल्लाह मुबारक हो, तो उसने कहा मैं पढ़ता था लेकिन आपको ऐसा लगता था। मैंने कहा यार ये भी रीज़न हो सकती है, दूसरी ये है कि मार्केट बहुत हाई है ना कंप्यूटर साइंस के बच्चों की लग जाती है नौकरी ना, तो 3.2 तो बहुत अच्छा है, ऐसे तो 2.0 से ऊपर सबकी लग जाती है नौकरी। हाँ अच्छा जी चलो, इन्हें किसी बॉक्स प्लॉट की आपको एग्जांपल समझ आ गई, आगे चले जाते हैं। पीछे ये बैकग्राउंड आप थोड़ा देख भी लीजिएगा, मैंने सिंपल इससे पहले जो बताया हुआ है ना वो थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की है कि कहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होगी, कहाँ पे बॉक्स प्लॉट। अच्छा ये फिर वो गॉसियन वाली मैंने एग्जांपल बताई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो थी हमारे पास, इसमें अगेन वही चीज है, ये हमारे पास मीन है और ये फिर हमारे पास डिस्टेंसेज हैं जो यहाँ पे बताए हुए, ठीक है, ये हमारे पास मीन है और ये वेरियंस है या स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये वही एग्जांपल है, तो थोड़ा पढ़ लो यार पढ़ लो, चलो ये एक छोटा सा सेक्शन तो खत्म कर लें, ये तो खत्म कर लें। अच्छा नहीं नहीं कैसे नहीं कैसे नहीं कैसे ग्राफिक डिस्प्ले पे अब आगे बॉक्स प्लॉट का हिस्टोग्राम का पता है आप लोगों को? हिस्टोग्राम क्या होती है? हिस्टोग्राम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी काउंट करना ना, हिस्टोग्राम का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी काउंट करना। जैसे अगर मैं आपकी क्लास की बात ही दोबारा करूं, ए प्लस वाले कितने हैं एक टेबल एक कॉलम में बना दूं, बी प्लस वाले कितने हैं बी कितने हैं एंड सो ऑन, ठीक है, ये हिस्टोग्राम होता है। क्वांटाइल प्लॉट, इसकी मैं अभी एग्जांपल देता हूं, क्वांटाइल क्वांटाइल इनकी एग्जांपल ही देता हूं, उसकी सीधे वहां से क्लियर हो जाएगा सर। ये हिस्टोग्राम की सिंपल एग्जांपल है कि ये आपके पास लोग हैं और ये उनकी इनकम है, ठीक है, लेट्स से ये 10,000 है 30,000 है 50,000 70,000 90,000 ना, तो अब क्या बता रहे हैं कि जी ये 8,000 वाले लोग कितने, ये सॉरी 1,000 वाले कितने, 2 3 4 5 ये उनके काउंट बताए हुए, इसे फ्रीक्वेंसी काउंट भी कहते हैं, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी काउंट भी कहते हैं कि कंपनी है लेट्स से जिसमें हमारे पास कोई 35,000 मे बी कोई 300-400 एम्प्लाइज हैं, तो सिंपल ये बताया कि 1,000 सैलरी वाले कितने हैं 30,000 वाले कितने एंड सो ऑन, ये हिस्टोग्राम कहलाता है। सॉरी क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा ये दो तीन ही ग्राफ देख लें, क्वांटाइल वाला देख लें जरा। नहीं क्वांटाइल का मतलब ये होता है कि जब दो एक जैसी वैल्यूज में आप कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल आजकल ये ब्रांड्स की काफी दुकानें चल रही हैं, ऐसी है ना, हम कहते हैं लेट्स से जी के कोई कपड़े का ले लेते हैं ब्रांड ना, डाइनर ले लेते हैं, ये चले खाडी ले लेते हैं काफी मशहूर सही, हम ये कहते हैं उनकी एक ब्रांच है एम्पोरियम में, एक लेट्स से पैकेजेस में, चलेंगे पैकेजेस में आगे तीसरी इकबाल टाउन में भी करेंगे अभी वो भी करते हैं। इन दोनों में अगर हमने कंपैरिजन करना है, सुने सुने सर सुन ले, अगर इन दोनों में हमने कंपैरिजन करना है कि कौन सी ब्रांच बेहतर काम कर रही है, कौन सी ब्रांच बेहतर काम कर रही है, ठीक है, ये उसका कंपैरिजन है कि एक ही चीज है एक ही आइटम्स है लेकिन दो मुख्तलिफ जगहों पे पड़े, तो ये होता है क्वांटाइल ग्राफ ना, समझ आ रही वाली बात की, एक ही बच्चा है वो
एक ही बच्चा है जो मुख्तलिफ कोर्सेज कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्या कहाँ पे बेहतर फीडबैक आ रहा है। तो ये सिंपल ड्रॉ उसी तरह हमारे पास होता है, ये वैल्यूज है उनकी, ये लेट्स से आइटम एक एक स्टोर में, ये दूसरे स्टोर में, और उनको कंपेयर किया हुआ हमने, दैट्स इट, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, यही अगर डिफरेंट आइटम्स के लिए करें, अगर ये डिफरेंट आइटम्स के लिए कर लें, तो ये हमारे पास बन जाता है क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट, क्यू क्यू प्लॉट, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये देखें, अब यहां से हमें क्लियर पता लग रहा है, अगर ये वैल्यू हम देखें कि अगर वैल्यू इस लाइन से नीचे वाली है तो ये वाला ब्रांच अच्छी है, अगर इस वैल्यू से ऊपर है तो ये ब्रांच वैल्यू अच्छी है। समझ मेरी बात, देखें दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे पास आइटम है लेट से दो, हमने अभी बात की थी खाड़ी के, ठीक है, एक स्टोर उसका है एम्पोरियम और एक पैकेजेस में, और ये उनके डिफरेंट आइटम्स हैं यहाँ पे ना, और उनकी प्राइसेस हैं नीचे। अब यहां क्या बता रहा है कि जिस आइटम की यहां पे 50 वाली प्राइस है, लेट से इस आइटम को ले लेते हैं हम, इसकी वैल्यू यहां पे है 52 लेट से, और यहां पे भी 52 है, ऐसे ही ये 70 वाले की वैल्यू यहां पे 70 है और यहां पे 75 के करीब है, ऐसे ही यहां पे लेट से 100 वाले की तकदीब ऊपर नहीं चाहिए, लेकिन 100 से 110 से ऊपर ही है कहीं पे, ऐसे ही। इसका मतलब क्या है कि जो यहां पे सेल हो रही है वो बेटर है एज कंपेयर टू दिस स्टोर के, ये बात समझ आ गई। लेकिन स्टिल डेटा या आइटम्स एक ही खड़े हैं, सिर्फ ब्रांचे डिफरेंट है, ये होता है क्वांटाइल प्लॉट ना, क्यू क्यू प्लॉट या क्वांटाइल प्लॉट, समझ आ रही है बात। अच्छा, अगर ये मैं आइटम डिफरेंट कर दूं तो ये कहलाता है स्कैटर प्लॉट। अभी जो है एक ही आइटम है, ब्रांचेस डिफरेंट है, अगर मैं इसको नेक्स्ट पे चलूं, ये बनता है स्कैटर प्लॉट ना, स्कैटर प्लॉट, आइटम भी डिफरेंट है, ब्रांच भी डिफरेंट है, मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए चाह रहा। अच्छा, अब ये सुनने में मुश्किल लगता है, ये बड़ा आम यही होता है वैसे ना, अगर मैं आपसे सिंपल कहूँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे बनाओ कि आपने एक दुकान पे खड़े हो क्या क्या चीजें बिक रही हैं, तो ये बनेगा वो, ठीक है, सुनने में मुश्किल है, वैसे ये बच्चों वाली चीज है। स्कैटर प्लॉट सिंपल क्या है कि जो आपके पास आइटम्स हैं और कितने के वो सेल आउट हो रहे हैं, ये स्कैटर प्लॉट है, ठीक हो गया, ये बात भी समझ आ गई। एक दो स्लाइडें खत्म करते हैं, फिर खत्म है बस, ये तो खत्म करो। अच्छा, अब यहां पे अगेन अगर मैं आपसे फिर पहले क्वेश्चन करता हूं, मेरे पास है एक एक्स और एक है मेरे पास वाई, ठीक है, एक एक्स और एक वाई, अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू बढ़ती है और वाई की भी बढ़ती है तो ये शेप बननी चाहिए, ये बात सबको समझ आती है कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ी है वाई बढ़ रही है तो ये शेप होगी, ऐसे है? इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव डायगनल, डायगनल है ना ये, एग्रीड, ऐसे ही है ना, और इसे कहते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, तो स्कैटर प्लॉट की शेप ये वाली होगी, एग्री करते हैं इस बात से, ठीक है। देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये मैं सिर्फ एक आइटम की लाइन बना रहा हूं, एक ना, अमूमी तौर पे एक आइटम तो नहीं होगा, एक आइटम ये है फिर एक ये है, इस तरह आइटम होंगे ना मल्टीपल, तो ये है पॉजिटिवली स्क्यूड, या ये कहते हैं ना इसको, हाँ पॉजिटिवली कोरिलेटेड, सॉरी कोरिलेटेड, कोरिलेटेड का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो, एग्रीड। अच्छा, अगर मेरे पास रिवर्स हो कि जब एक्स बढ़े, ये एक्स बढ़े तो वाई कम हो, नेगेटिव है, ऐसे ये भी हो सकता है कि वाई बढ़ो, कैसे होगा, एक्स कम हो रहा हो, ऐसे ऐसे होगा, वाई बढ़ा एक्स कम होना है ना, चलिए आप बना के देख लीजिएगा, लेकिन स्टिल यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आपने वो मोटिव वो तोड़ दिया ना, एक होता है ना फ्लो तोड़ दिया, फ्लो, मैं क्योंकि उसी लिहाज से पढ़ाने के लिहाज से चाह रहा था ना, अब मैं खत्म करने के फ्रेंड में आ गया हूं, इन्हें नहीं किस इस फिगर पे आ जाते हैं, ये क्लियर है, ये एक्स और वाई दोनों बढ़ रहे हैं, ऐसे ही यहां पे एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है वाई कम हो रहा है, ऐसे ही, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हमारे पास, ठीक है। ये चीज क्या बता रही है, कोई कोरिलेशन नहीं है, तो क्या बचा रही है चीज ना, कभी सेल ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, ऐसे अनकोरिलेटेड है ये, ठीक है जी। तो ये सिंपल ये हो गया, आखिरी एक देख लेते हैं, ये शायद ये लास्ट है, हाँ जी, अनकोरिलेटेड ये है बेसिकली, अनकोरिलेटेड का एग्जांपल ये है कि जो डेटा पॉइंट्स हैं उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है वो ना, ये चीज़, ठीक है जी, चलें जी यहीं पे एंड कर लेते हैं, तो ये चीज़ मौजूद होगी। अच्छा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये थी, मुझे आपके ना सीआरई दे देंगे, मुझे आप रोल नंबर्स दें, मैं छोटे छोटे ना आपको असाइनमेंट देना शुरू करता हूँ, इस पर असाइनमेंट इन द सेंस ही होगा ताकि आपकी लर्निंग ही हो, ग्रेड भी उसमें से कुछ लगाएंगे, लेकिन स्टिल कोशिश हम ये करेंगे
क्या आपको कोई पैकेज वगैरह बता देते हैं इसके रेलिवेंट ना? वैका तो एक मैं असाइनमेंट बनवा रहा हूँ, वो मैं आपको फुल दे दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ ये कि यार कोई डाटा पैकेज डाउनलोड करके या आप API चला के ना छोटे छोटे प्लग एंड प्ले कर सकें कि जी डाटा दिया हुआ है उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बननी है, डाटा दिया हुआ है स्क्यूड डाटा कैसे बनेगा, इस तरह की चीज़ें कर सकें। ठीक है, तो उसके वो आप रोल नंबर की लिस्ट एक फिर बना लेते हैं बजाय ग्रुप बनाने के, या मे बी ग्रुप भी बनाए जा सकते हैं बच्चे ज़्यादा। ठीक है, तो वो फिर यही हो सकता है आप ग्रुप बनवा लो इनसे। ठीक है, तीन तीन बच्चों का ग्रुप बनवा लो, एक दो तो सीखेंगे ना उनमें से, तीन में से। ठीक है, चलें ठीक।